उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी की पुत्री हैं, उनका नैनीताल में ननिहाल है, ये सभी जानते हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार नैनीताल पहुंची। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने, जैसा कि उनके पिता भुवन चंद खंडूड़ी जी की भी आराध्य देवी हैं माँ पाषाण देवी, वहाँ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, दर्शन किए और इसके बाद वो प्रेस से भी मुखातिब हुई। देखें इस समय की कुछ झलकियां। शरणम त्वमम श्री रामचंद्रन नम शरणम प्रपद्यौ श्री रामचंद्राय राम भद्रायौ रामः सपरिवाराभ्याय नमो नमः। अखंड मंडलाकारणम व्याप्त्रयेन चराचरौ त्रात्व प्रदर्शितनम येन त्रास्मेन श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म त्रास्मेन श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो श्री इष्ट देवताभ्यो श्री कुल देवताभ्यो श्री ग्राम देवताभ्याय नमो नमः। पुष्पांजलः समर्पयामि तदृपै जात्रौ चांदेन भूमौ तिरकोणनम षट्कोणनम मंडलवाम लिखित्वा तात्रौ। आज मैं दर्शन करने भी आई, काफ़ी समय हो गया, एक साल से ऊपर हो गया है और स्पीकर बनी हूँ, विधायक दोबारा बनी हूँ, उसके बाद बुलावा नहीं आया लगता है देवी का, और आज बुलावा है तो मैं बहुत खुश हूँ कि अपने ननिहाल दोबारा से पहुँची हूँ। मैं अपने लोगों के साथ जब मैं गाड़ी में आ रही थी, मैं कह रही थी नैनीताल की जैसे ही हम पहाड़ चढ़ने लगते हैं एक अलग सी अनुभूति खुशी की होने लगती है कि मैं वापस अपने नानी घर जा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ पहुँची। बजट तो सरकार का काम है, लेकिन हाँ सत्र हमारा जो होना है वो गैरिसन में इस बार सुनिश्चित है और मुझे लगता है कि एक अच्छा सेशन वहाँ पे चलेगा जहाँ सारे माननीय विधायक अपनी बात पटल पर रख पाएंगे, अपने क्षेत्रों के समस्याओं को रख पाएंगे। और आपने जैसे देखा जो भारत का बजट आया है वो विकासशील बजट है, इस अमृत काल में एक बढ़िया बजट दिया है जिसमें हर वर्ग को हर क्षेत्र को उसमें छुआ है, तो मुझे लगता है कि विकास और जो हमारे लोग हैं उनके फायदे का बजट सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है, तो आगे अब किस तरह से होगा? देखिए ऐसा है, एक तो ये मामला सब जूडिस है, लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं सरकार भी इस समय बहुत ही प्रयास कर रही है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोगों को अब नौकरियों पर रखें, परीक्षाओं के जो तरीके हैं उनमें बदलाव आए, इस तरह से हम परीक्षाएं लें ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें और बच्चों का भविष्य जो है वो उज्ज्वल। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।